करेंगे 21 दिन के लिए देश, देश जो है जो लॉकडाउन है, इसके चलते कई कश्मीरी प्रवासी जो फंस चुके थे, और ऐसे में मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शाबाशी दी है, तारीफ की है, प्रशंसा की है पटियाला प्रशासन की। दरअसल कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों को वापिस अपने घर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला प्रशासन की तारीफ की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जिस तरह से पटियाला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कश्मीरी कर्मचारियों की मदद की, वो सराहनीय कदम है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ट्वीट कर पटियाला प्रशासन के काम की तारीफ उन्होंने की है, और वहीं पर कश्मीरी कर्मचारियों ने पटियाला प्रशासन और सरकार का मदद करने के लिए शुक्रिया अदा किया। इसकी वीडियो सीएम ने ट्वीट कर प्रशासन को शाबाशी दी है। चाहे वो पुलवामा अटैक हो, जब उस समय में हमें मुसीबत आई तब भी उसने हमारे लिए ये सब इंतजाम किए थे, तब भी हमने उसने हम लोगों को, गरीब लोगों को जो यहाँ पे मजदूरी करने के लिए आते हैं, सही सलामत अपने ठिकाने घर तक पहुँचाया। और आज जो कोरोना वायरस के वजह से जो उसने आज यहाँ पे फिर से हमें प्रोवाइड किया, बस हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कैप्टन साहब का, डीसी पटियाला का, एसएसपी पटियाला का, और खासकर सलमान निजामी साहब का, जिसने हमें कॉन्टेक्ट करवाया, सबसे बात करके आला हुकाम तक उसने हमारी बात पहुंचाई। हमने बहुत उन तक हमने अपनी बात पहुंचाई, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। हम थैंक्स करना चाहते हैं कैप्टन साहब का, डीसी पटियाले का, एसएसपी पटियाले का, और खासकर सलमान निजामी सर का। ये सब जो भी सुविधा हमें अभी मिली है, ये सब कैप्टन साहब की देन है, डीसी साहब की देन है, एसएसपी पटियाला साहब की देन है, और सलमान निजामी सर का देन है। उसने 6 से 7 बसें हमें एक जगह से यहाँ पे निकाले हैं, और बाकी और जगह पे भी कहीं है, उनके लिए भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। 1-2 दिन तक तकरीबन सारे जो मजदूर लोग हैं अपने घर सही सलामत पहुंच जाएंगे।